हाय गाइस, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज आपके लेकर आया हूँ जीके जीएस की बेस्ट क्वेश्चंस एयरफोर्स के लिए। और अभी तक आपने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है, रागा के प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश के वीडियोज नहीं देखे हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय पास में आएगा बेल आइकन, बन के इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 66 नंबर का क्वेश्चन है ये, और पार्ट टू में 65 नंबर तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यह है हृदय से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? यह है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? यह किया था रंटजन ने, एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? यह किया गया था तांबा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यह काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? यह किया था गैलीलियो ने, किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? यह है राजघाट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? यह चली बम्बई से थाड़ के बीच, ठीक है। आप वर्तमान में मुंबई कहते हैं, कब चली थी? 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? यह की गई थी कोलकाता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? यह हुआ था 1853 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यह थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? यह थे त्रगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? यह होते हैं 15। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? यह हैं 5 देश स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है द हेग हॉलैंड में। कहाँ पर है? द हेग हॉलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? यह हैं बान की मून। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? यह बना था दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? यह होता है विटामिन के की कमी से, ठीक है। अगर पेट विटामिन के की कमी होगी तो खून रुकाव बंद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? यह थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? यह होता है 4 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, मतलब हो चुके हैं? सन 2016 में यह रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हो चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? यह है मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? यह गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? यह बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यह है तूफान का। जब तूफान आता है तो सूचक गिर जाता है, ठीक, मतलब गिरावट आ जाती है उसमें, तूफान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका नाम है थार। क्या नाम है? थार। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? यह है आसाम में। किस में है? आसाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? यह घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? यह शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? यह होती है चांदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है, मीथेन होता है वही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ठीक है, यह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगर पूछें पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, ठीक है, यह क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? ठीक है, आपको वहाँ ऑप्शन में कुछ ही मिल सकता है, दुग्ध मेखला भी मिल सकता है या मिल्की वे, जौन सा हो उस पर आप सही का टिक लगा दें, ठीक है, आप दोनों ही याद करके जाएं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? यह था उत्तंत मारतंड। कौन सा था? उत्तंत मारतंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? यह लिखी गई थी अवधी भाषा में। किस में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? यह उदय भानु हंस कहलाते हैं। कौन? उदय भानु हंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी? यह एथेन से, जो कि यूनान में है, 1896 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? यह जीता है हॉकी में। किस में जीता है? हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? यह जीता था मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? यह होता है 4 वर्षों के बाद। दोस्तों यह वीडियो कंप्लीट हुआ है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं, और आपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एयरफोर्स नेवी वालों के लिए बहुत ही
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं इंग्लिश के भी, और जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। एक बार पेपर से पहले देख कर जरूर जाइएगा, और आप के जितने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर जाकर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। आपको फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।